क्लास टेंथ डी रेस्ट की टी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कि हम आपको करवा दिया है। सैटरडे 20 जून 1942 की बात है। डी रेस्ट की टी प्रिय की टी, जिसकी एनी फ्रैंक अपनी डायरी को किटी नाम देती है, उसको कहती है और एंटर क्लास इज किकिंग इन इट्स बूट्स, कहती कि हमारी पूरी क्लास है वो क्या कर रही थी, शर्ट लगा रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फोर एंड हु विल बी कैप्ट बैक। और कहते कि इसके अंदर टीचर्स ये डिसाइड करने वाले थे किसको अगली क्लास में भेजा जाएगा और किसको वो पीछे ही रख लिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, कहते हैं पूरी क्लास थी वो क्या कर रही थी, शर्ट लगा रही थी। जी एन एंड आई लाफ ओवर सेल्सली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जी एन और मैं अपने पीछे दो मूर्ख लड़कों पे हंस रहे थे, सी एन एंड जैक्स, जिनका नाम था सी एन और जैक्स, हु हैज टेक्ड देर एंटर होलीडे सेविंग्स ऑन देर बैट, कहते कि जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग्स थी उन्होंने खर्च कर दी थी से बैट के ऊपर शर्ट लगाने पे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, कहते हैं सुबह से शाम तक यही चलता रहा, हाँ तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा, यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे, नो आई एम नॉट, इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्ट्स कांट काम देम डाउन। और कहता है कि यहाँ तक कि जो जी एस था उसकी प्रार्थना भरी नजरें और मेरी जो गुस्से का एकदम गुस्सा था वो भी उनको शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक, यदि आप मुझसे पूछो तो क्या होगा, बहुत से ऐसे मूर्ख बच्चे थे जिनको पीछे ही क्लास का एक चौथाई भाग तो पीछे ही रह जाएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, और टीचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, धरती पर ऐसे प्राणी होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मेरी लड़की जो दोस्त है उनके बारे में और अपने बारे में। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, कहता कि एक ही सब्जेक्ट ऐसा था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, और हम कर भी कह सकते थे वेट का इंतज़ार करने के अलावा। अनटिल देन, तब उसके बाद वी कीप टेलिंग ईच अदर नो टू लो सर्ट, तब हम एक दूसरे को कहने लगे कोई बात नहीं परेशान मत हो। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरी सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम, उनमें 9 थे, 7 men and 2 women, कहते हैं 9 आदमी थे और 2 औरतें। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स, कहता कि ओल्ड फोगी का मतलब पुराने फैशन के कपड़े वो पहनता था, तो कहता कि जो मिस्टर केसिंग था वो पुराने फैशन के का व्यक्ति था जो मेरे को मैथ पढ़ाता था। वाज एनोयड विद मी फॉर एजेस, मेरे से वर्षों से नाराज़ था, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कहते हैं बहुत सी चेतावनियों के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उसने मुझे एक्स्ट्रा अलग से और ज़्यादा काम करने को दे दिया। एन ई जी एन एस ए ऑन दिस सब्जेक्ट, कहते कि एक सब्जेक्ट है ए चैटर बॉक्स, उसके ऊपर मेरे को एक ऐसे लिखने को दे दिया, ए चैटर बॉक्स का मतलब बातों नहीं, वाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में आप कैसे लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में मैंने बाद में चिंता की। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जोटेड का मतलब ऐसे ही उबड़ खाबड़ लिख देना, जल्दी जल्दी में लिख देना, नोटबुक में मैंने टाइटल नोट कर लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कहता कि उस शाम मैंने जब अपना बचा हुआ काम कंप्लीट किया, द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आईज, तो उस ऐसे के ऊपर जो ऐसे था उस जिस पर मेरे को ऐसे लिखना था उस नोट के ऊपर मेरी आंखें गई, कहते नजर गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, कहते कि मैंने सोचना शुरू किया उस सब्जेक्ट के बारे में जब अपने मैं फाउंटेन पेन की ऊपर से उसके जो सिरा था वो चबा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव वीक स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, हर कोई शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ करके लिख सकता है, बहुत ज़्यादा लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, परंतु कहता कि मेरे को क्या करना था कि जो बात करने की
जो तर्क ऐसे देना था कि बात करने के लिए उसको मना सके, इनकी बात करने की जो ज़रूरत थी उसके ऊपर मेरे को सिद्ध करनी थी बात, ठीक है, प्रूव करना था। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती गई एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और मेरे को एक विचार आया अकस्मात ही। आई रोट द 3 pages मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी, कहते मैंने 3 pages लिखे और मिस्टर केसिंग था उसने मेरे को असाइन किया एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मैंने उसको क्या लिखा, तर्क दिया कि बात करना तो एक स्टूडेंट का गुण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसको क्या करूँगी, कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, परंतु मैं कभी भी इसको अपने आप को ठीक करने में कामयाब नहीं हुई। ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच, उस आदत से क्योंकि मेरी माता जी बहुत बात करती थी, एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, इतना और ज़्यादा नहीं तो जितना मैं करती उतना तो करती थी, एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आप जो विरासत में मिलने वाले आपको गुण हैं उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और मिस्टर केसिंग था वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर बहुत ज़्यादा हंसा। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, परंतु मैंने जब अगले लेसन के दौरान भी बात करना जारी रखा, ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, उसने मेरे को दूसरा ऐसे लिखने को दिया, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और अब की बार उसने जो मैटर था वो बदल दिया, क्या दे दिया, असहनीय बात उन्हीं के ऊपर उसने लिखना दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको लिया, एंड अबाउट मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, और मिस्टर केसिंग को पूरे 2 lessons के दौरान बात करने का यानी कि कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं दिया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd lesson ही हैड फाइनली हैड इनफ, और 3rd lesson के दौरान और बहुत ज़्यादा हो गया था। एनी फ्रैंक हैज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कहता है कि एनी फ्रैंक को क्लास में बात करने के लिए राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्विक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, और उसने मेरे को क्या कहा, जो राइट करने के लिए उसने जो ऐसे दिया उसमें उस पर कौन कौन से सब्जेक्ट पे दिया, क्विक 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 क्विक, और मिस्टर चैटर बॉक्स मेरे को बुलाया। उसके बाद देखो आप, द क्लास रोएड, पूरी क्लास हंसती है उसको ऐसा कहने पे। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसती हूँ, दो आई वुड नियरली एडजस्टेड माई इनजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, ये कहता है कि मेरी जो लिखने की क्षमता थी वो चैट बातों में विषय पर ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कुछ अलग किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ इनकी असली हो। माई फ्रेंड साने हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरा फ्रेंड साने था वो जो पोइट्री में बहुत अच्छा था, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, और कहता है कि मेरे को क्या किया, मदद करने के लिए कहा कि ऐसे को शुरू से और आखिर तक एक पोएम के रूप में लिखेंगे, कविता के रूप में लिखेंगे। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग ने मेरे पे एक जोक करने की कोशिश की थी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, एक मुश्किल सब्जेक्ट था ये, कठिन सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, परंतु मैंने उस जोक को उसी के ऊपर किया। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम पूरी की, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, एक माता डक के बारे में थी, एंड ए फादर स्वैन, और एक पिता जो स्वैन है उसके बारे में, विथ 3 baby ducklings, और उनके 3 बच्चे थे, इनकी बतख है और उनके 3 बच्चे हैं। हु वर बीटन टू डेथ बाई द फादर, जिसने पिता ने उसको मारने तक पीटा, बिकॉज दे क्विक टू मच, क्योंकि वो बहुत कहाँ कहाँ करते थे, शोर करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, कहता कि श्रीमान किसिंग ने उसको भाग्यवश उस जोक को अच्छे तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने क्लास के सामने पोएम को पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने खुद के कमेंट्स भी उसमें दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कई कक्षाओं में उसने इसको पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, द
तब से मेरे को क्लासरूम में बात करने की इजाज़त मिल गई और मेरे को एक्स्ट्रा काम भी नहीं दिया जाता था। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग थे आजकल बात करते हुए नजर आते हैं। योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। तो आखिरी मैंने लिखती है आपकी एनी, और ये जो डायरी छोटी लड़की की जो डायरी है उसमें से लिया गया है कुछ पार्ट्स है उसका।